हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री चौबे। टुडे सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टू। लेट स्टार्ट। पेज नंबर 39, लेसन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स हम कह लें चढ़ता क्रम। असेंडिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम यानी जैसे एक के बाद दो तीन चार ऐसे आते हैं, यानी नंबर्स बढ़ते जाना। वो नंबर ऐसे क्रम से भी नहीं बढ़ते, कभी कभी गैप लेके भी एक छोटा फिर थोड़ा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे नंबर हम बढ़ा सकते। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या होना, नंबर घटते जाना। ठीक है, तो आज हम इसी पर ये लेसन ले रहे हैं। चलो लेट स्टार्ट। लेट अस सी हाउ टू पुट द नंबर्स 36, 23, 17 असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ कुछ नंबर दिए हैं 36, 23 और 17। अब आप ये नंबर देखिए, देखो ये 36 बड़े हैं, उससे थोड़े छोटे 23 है और उससे थोड़े छोटे 17 है। तो ये ऑर्डर कैसे है, ये सबसे बड़ा है फिर छोटा है फिर थोड़ा छोटा है। तो कौन सा ऑर्डर है ये आप देख के समझ सकते हो क्या हो रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स वो क्या हो रहा है, एक नंबर कम कम होते जा रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन नंबरों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होते हैं पहले छोटा नंबर, बाद में उससे थोड़ा बड़ा, बाद में उससे थोड़ा बड़ा, उसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या दिया, फर्स्ट लेटर्स कंपेयर द पेयर्स। अभी हम पेयर्स यहाँ कंप्लीट कैसे करना है, पेयर्स कंप्लीट कंपेयर किए 36, 23, 23, 70, 36, 70। तो अभी यहाँ लिखे नंबर 36, 23 और 17। ओके, तो हमें जब सिंपल वैसे मैं बता रही हूँ, हमें जब असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे इसमें से। तो अभी बताइए मुझे सबसे स्मॉल नंबर को ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अभी असेंडिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी चढ़ता क्रम, यानी नंबर बढ़ते जाना। तो नंबर कैसे बढ़ेंगे, पहले छोटा नंबर उससे थोड़ा बड़ा उससे बड़ा ऐसे लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही आपने सही कहा, 17। तो हमने कौन सा नंबर लिखा पहले, 17। तो इन्होंने स्लेट पर लिखा, हम यहाँ लिखते हैं इसके बीच में। ठीक है, सबसे पहले 17। अभी यहाँ देखो 17 लिख लिया, अभी 17 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 23। और उससे बड़ा कौन सा है, 36। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट नंबर पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते, क्रॉस आउट 17 एंड राइट इट ऑन योर स्लेट। तो कैसे लिखना है, उन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ हमें दिया है। तो हमने क्या किया, ये कैसे लिखना है ये हमने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। तो कौन सा सबसे पहले, 17, फिर 23, फिर 36। अभी यहाँ कंक्लूजन दिया है, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर कहते हैं। लेट्स राइट इट लाइक दिस, इसे ऐसे लिखेंगे, यानी 17 से बड़ा 23, तो इसके इसलिए क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ है, 23 पर, और 23 से बड़ा 36 है तो क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ है, 36 पर। इन द सेम वे पुट दिस नंबर इन ईच सेट गिवन बिलो इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। उन्होंने ब्रैकेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। तो इसी तरह आपको यहाँ ये एक्सरसाइज दी है, कितने, 1, 2 और 3। तो इसी तरह आपको नीचे दिए एक्सरसाइज से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं। असेंडिंग, फिर से मैं बता रही हूँ, असेंडिंग एंड इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम में सबसे पहले छोटा, उससे फिर थोड़ा बड़ा, उससे फिर थोड़ा बड़ा। तो चलो हम इसके नीचे ही सॉल्व करते हैं। अभी नंबर 1 लेंगे, 25, 12 और 54।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हम ये कैसे देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, हमने आपको सिखाया है टेन प्लेस और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो हम अगर आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये डिसाइड करने के लिए हम पहले कौन से नंबर देखेंगे, टेंस प्लेस वाले नंबर देखेंगे। तो चलो हम टेंस प्लेस वाले नंबर को यहाँ अंडरलाइन कहते हैं टू, यहाँ दूसरे नंबर नंबर में वन और थर्ड नंबर में फाइव। तो सबसे पहला कौन सा है टेंस प्लेस वाला, सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है, वन है। वन यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, ट्वेल्व हो गया, हो गया ट्वेल्व कॉमा। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है टेंस प्लेस वाला, टू है, टू एन ए ट्वेंटी फाइव, टू एन ए ट्वेंटी फाइव। और बाद में कौन सा नंबर बचा, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर। तो हमने ये नंबर कैसे लिख लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फोर। आया आपको समझ में? अभी नहीं आएगा तो फिर से हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट सी 67, 9 और 32। तो अब यहाँ दो दो नंबर टू डिजिट वाले और एक ही नंबर है वन डिजिट वाला। तो वन डिजिट वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, ये नाइन है, तो हम पहले इस नाइन को लिख लेते हैं, ठीक है, नाइन को लिख लिया। अभी कौन से दो नंबर बचे, 67 और 32। तो 67 और 32 नंबर में टेंस प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ थ्री है और यहाँ सिक्स है, तो टेंस प्लेस वाले में इस दो नंबर में, टेंस प्लेस वाले में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, थ्री है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 32, और बाद में कौन सा लिखेंगे, 67, 67। इस तरह हमने 9, 32 और 67 ये नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अभी नाउ वी विल अगेन टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। नंबर थ्री में नंबर्स दिए 44, 92 और 30। चलो फिर से सेम वे हम कर लेते हैं, टेंस प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन करते हैं, ये अंडरलाइन टेंस प्लेस वाले। अभी टेंस प्लेस वाले में नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, थ्री है, थ्री यानी 30। तो इसलिए क्या करेंगे, हमें 30 लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है थ्री के बाद, ये फोर है, तो हम फोर लिख लेंगे, यानी 44। और उसके बाद 92, उसके बाद 92। तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया 30, 44, 92। इस तरह हमारा पेज नंबर 39 कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। ऑन पेज नंबर 40 वी आर गोइंग टू लर्न डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बोलते उतरता क्रम, उतरता क्रम यानी सबसे पहले बिग नंबर रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, थोड़ा स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ऐसे नंबर रहेंगे, ओके। नाउ लेट्स सी, लेट अस सी हाउ टू पुट द नंबर्स। अभी हम देखेंगे नंबर कैसे रखते हैं, 36, 23 और 48 है। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना ये यहाँ दिया है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन सिंपल वे। अभी हमें ये थ्री नंबर्स दिए हैं, 36, 23 और 48। इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले आप सबको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मालूम है, तो टेंस प्लेस वाले नंबर को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। टेंस प्लेस वाले में नंबर कौन सा है, फोर है, टू है और थ्री है नंबर। अंडरलाइन कर लिया हमने टेंस प्लेस वाले नंबर को, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। तो हमने पहले टेंस प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन किया। उसके बाद हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर कैसा आएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा। तो जो हमने अंडरलाइन नंबर किया उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फोर है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर कैसे हो गया, सबसे बिग नंबर हो गया। तो
उस हमने क्या लिख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमने पहले नंबर लिख लिया 48। चलो हम डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर 48 लिख लिया, फिर कॉमा दिया। तो 48 के 48 लिख लिया। अभी 4 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 से थोड़ा छोटा नंबर कौन सा आता है, 3 आता है 3। तो 3 यानी 36, तो हमने नंबर लिख लिया 36। और अभी नंबर कौन सा बचा, 2 यानी 23। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, 48, 36 एंड 23। इस तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो, पुट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्रम बढ़ते जाना, यानी नंबर बढ़ते जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे नंबर क्या होते हैं, घटते जाते हैं। यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है, इन्होंने यहाँ साइन भी दिया है स्मॉल। तो अभी देखो 26, 19, 47। तो अभी हमने कौन सा ऑर्डर लिखा है, पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा नंबर। तो 26, 19 और 47, चलो हम ये एग्जांपल यहाँ दिया भी हुआ है सॉल्व करके लिए करके, फिर भी हम पहले सॉल्व करते। तो सिंपल अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले टेंस प्लेस वाले नंबर हमने अंडरलाइन कर लेने कि ये अंडरलाइन टेंस प्लेस वाले नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस प्लेस वाले नंबर अंडरलाइन करने के बाद हम पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। तो चलो देखो, तो देखो हमने टेंस प्लेस वाले नंबर हमने अंडरलाइन किए। तो इस अंडरलाइन करने के बाद 2, 1 और 4 टेंस प्लेस वाले नंबर है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। 1 यानी 19। तो सबसे पहला हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 1, 9, 19 लिख लिया ये नंबर। अभी अभी तो ये हो गया। उसके बाद 1 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। 1, 2 और 4 में हमें देखना है, 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। 2 यानी 26, 2 यानी 26। अभी नंबर कौन सा बचा 2 के बाद, 4 यानी 47। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बिग नंबर, ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में थे। और हम साइन कैसे दें, ये छोटा है तो 19 से 26 बड़े हैं। अभी हम कंपैरिजन करेंगे तो साइन कैसे देना, अभी देखो इन्होंने ये साइन दिया तो 19 से 26 बड़े, तो इस तरह आएगा क्रोकोडाइल का ओपन स्पेस मूव। अभी 26, 47 में कौन सा बड़ा है, 47, तो ये साइन ऐसे आएगा। साइन भी कैसे देना और नंबर भी कैसे लिखना आपको समझ में आएगा। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग से ही डिसेंडिंग ऑर्डर फटाक से लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा 19, 26, 47, तो इसमें क्या करना है, इससे यहाँ से शुरू कर देना है 47, उसके बाद 26 और उसके बाद 19। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमें साइन देना है तो 19 से बड़े 26 है, इसलिए क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ आएगा। 26 से बड़े 47 है, क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था, फिर भी हमने सॉल्व किया। अभी हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेम वे हम टेंस प्लेस वाले नंबर पहले अंडरलाइन करते हैं। टेंस प्लेस वाले नंबर 5, 8 और 6 हमने टेंस प्लेस वाले नंबर वो डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं। तो अभी देखो 5, 8 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। सबसे छोटा 5 यानी 5050। फिर 5 के बाद थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है थोड़ा बड़ा, तो 62 लिखेंगे, 62। और लास्ट कौन सा बच्चा, 85। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स
सबसे छोटा, फिर थोड़ा बिग, यानी कैसे बोलते वो हम बोलेंगे, सबसे स्मॉल, फिर बिगर, ऐसे हम लिखेंगे। अभी साइन देना है, तो साइन कैसे देंगे, 50 से बड़ा है 62 है तो क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ आएगा, 62 से बड़े 85 तो क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ आएगा। हो गया, अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहला नंबर, यानी ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमें लिखना है, फिर उसके बाद स्मॉलर, और उसके बाद सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे। तो अभी यहाँ से ही हम लिख सकते हैं, यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं, तो हम क्या क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 85, अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। उसके बाद 62, और उसके बाद 50, 50, ये बन गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से यहाँ से देख के कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 85, 62, 50, ये हमारा बन गया असेंडिंग ऑर्डर। एक बार लिखा तो हम डिसेंडिंग लिख सकते हैं, या हमने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया तो उससे हम असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 85 और 62 में सबसे बड़ा कौन सा है, 85, तो क्रोकोडाइल का मुंह 85 की तरफ आएगा। अभी 62 और 50 में कौन सा बड़ा है, 62, तो क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ आएगा, 62 में। चलो हमने क्या किया, अभी असेंडिंग ऑर्डर से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अभी हम ये नंबर से हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, 32, 9 और 13। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर से हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये हम बताते हैं आपको। तो चलो यहाँ देखो, ये 2 डिजिट वाला नंबर है, 1 डिजिट वाला, और ये 2 डिजिट वाला, तो हमेशा 1 डिजिट वाला नंबर क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है। हाँ, और कंपैरिजन हम कौन से फिर दो दोनों में करेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर में। तो 2 डिजिट वाले नंबर में हम टेंस प्लेस को अंडरलाइन कर देते, ये टेंस प्लेस वाले नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के पहले अभी पहले हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। तो देखो ये तो 9 तो सबसे छोटा है, हमें तो मालूम है क्योंकि ये 1 डिजिट वाला नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर। तो अभी 1 और 3 में हमने टेंस प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन किया, और 1 अभी दोनों में कंपैरिजन करेंगे। टेंस प्लेस में 1 बड़े या 3 बड़े, 3 बड़े, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 32। तो हम ध्यान रखो, हम पहले कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या करेंगे, उतरता क्रम बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, फिर देखो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ये 1 डिजिट वाला नंबर है, तो 1 डिजिट वाला हमेशा छोटा ही नंबर रहेगा। अभी ये 2 2 डिजिट वाले नंबर है, तो ये 2 डिजिट वाले नंबर के टेंस प्लेस वाले नंबर को पहले हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। तो टेंस प्लेस में क्या है, 1 और 3 है। तो अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 1 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, 3 नंबर है, यानी ये पूरा 32 नंबर सबसे बिग नंबर हो गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 32, उसके बाद क्या लिखेंगे, 33 के बाद कौन सा नंबर है, स्मॉल, 1 है, तो 1 1 3 13 लिखेंगे। और हमें तो मालूम ही है ये 9 1 डिजिट वाला नंबर है, यानी सबसे स्मॉल नंबर है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी इस डिसेंडिंग ऑर्डर से हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, फिर ये 9 लिखा, फिर 13 लिखेंगे, उससे थोड़ा बड़ा, और ये बाद में सबसे बड़ा, 32 लिख लिया हमने। डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख लिया। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, साइन देंगे। देखो 9 से 13 बड़े, तो इस तरह क्रोकोडाइल का मुँह आया। 13 और 32 की कंपैरिजन करेंगे तो 32 बड़ा है, तो इस तरह क्रोकोडाइल का मुंह आएगा। अभी यहाँ देखो 32 और 13 में सबसे बड़ा कौन सा है, 32, तो इस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह आएगा। और 13 और 9 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा है, 13 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ आएगा, 13 पर। ओके, अभी हमें यहाँ 4 नंबर की पेयर्स दिए। अभी तक हमने 3 नंबर्स वाले पेयर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 4 पेयर्स दिए हैं, तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले
चलो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले टेंस प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन करेंगे। 6, 8, 7 और 4 कर लिया। अभी हमें कौन सा नंबर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम स्मॉल नंबर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर बढ़ते जाना। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आता है पहले देखो, 4 है, 7 है, 8 है कि 6 है। हाँ बिल्कुल 4 है, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, 43। 4 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो फिर कौन सा आएगा, 60 आएगा। अभी 43 और 60 हो गया, अभी 6 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 76। और 76 से 7 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो फिर 89। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, 43, 60, 76, 89। इससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर इजी से लिख सकते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे राइट हैंड साइड से, 89, 76, 60, 43। 89, 76, 60, 43 अपने आप हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी बन गया। ओके चलो नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ देखिए आप नंबर्स दिए हैं, तो अभी तो ये तो सबसे स्मॉल नंबर है 9, ये 1 डिजिट वाला नंबर है, और बाकी कौन से नंबर्स दिए, 2 2 डिजिट वाले नंबर दिए। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे कि टेंस प्लेस वाले नंबर को क्या करेंगे, पहले हमने अंडरलाइन किया, तो अभी अंडरलाइन कर लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे पहले, कौन सा ऑर्डर लिखेंगे अभी हम, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो अभी आपको आंखों से ही दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट वाला नंबर सबसे छोटा है, इसके बाद 2 डिजिट वाले नंबर आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। लिख लिया 9। अभी 9 के बाद अभी हम 1, 2 और 3 इसमें कंपैरिजन करेंगे। अभी देखो 1, 7 और 5 टेंस प्लेस वाले नंबर है, तो इसमें टेंस प्लेस वाले नंबर में सबसे कम नंबर कौन सा है, 1 है। 5, 7 और 1 में सबसे कम नंबर कौन सा है, छोटा नंबर 1 है, इसका मतलब है 1, 5, 15। क्या आएगा यहाँ 9 के बाद, 1, 5, 15। अभी 1, 5, 15 लिखा। अभी 7 और 5 में कंपैरिजन करिए, छोटा नंबर कौन सा है, 5 है, इसका मतलब है यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे हम, 52। अभी नंबर कौन सा बचा, 7, 7 यानी 75। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, कैसे 9 के बाद थोड़ा बड़ा 15, 15 के बाद बड़ा 52 और 52 के बाद सबसे बड़ा 75। अभी इससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, हमें यहाँ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो फर्स्ट लिखेंगे 75, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर सबसे बड़ा नंबर आता है 75, इससे थोड़ा छोटा 52, उसके बाद 15 और उसके बाद 9। इस तरह हमने डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमें साइन देने हैं, तो चलो देखो 9 और 15 के कंपैरिजन करेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो बता देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर ऐसे जाएगा, यहाँ के नंबर सब इस तरफ के नंबर बढ़ रहे, तो ये क्रोकोडाइल का मुंह सबका इस तरफ आएगा। अभी हम यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, बड़ा नंबर कौन सा, ये 15 यहाँ आ गया। 51 और 52 में बड़ा 52, 52 और 75 में बड़ा 75। इस तरह हमने ये सिंबल भी दे दिए, ठीक है। इस तरह हमारा पेज नंबर 40 कंप्लीट हुआ। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आया होगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ही इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज यानी बढ़ते जाना, इंक्रीज यानी बढ़ते जाना। और डिसेंडिंग ऑर्डर को दूसरा नाम है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कम कम होते जाना। ओके okay?